या दूसरे किसी पाकिस्तान में जो उम्मीद था ऐसे स्टेपल क्राफ्ट के तौर पर ग्रो किया। जब आस्ता आस्ता अल्टरनेटिव क्राफ्ट और दूसरी चीज़ें आ गई, इसकी प्रोडक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई और लोगों ने छोड़ना, इसको ग्रो करना ही छोड़ दिया। इसकी मेन वजह थी प्रोडक्शन पे, पर कनाल इसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही थी। आज से अगर 20 साल पीछे गए तो हर घर में पूरे एक साल के लिए गंदम मौजूद होती थी, लेकिन आजकल वो उस पर नहीं है। तो अगर हम इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में इम्प्रूव वैरायटी की तरफ फोकस करते हैं तो ये तमाम हमारे जो इश्यूज है, वन एक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सेकंड होगा वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन कम होगी, थर्ड जो है आपकी जो इनकम होगी वो जनरेट हो जाएगी और फार्मर है उसकी जो लाइवलीहुड स्टैंडर्ड है वो आज वो इम्प्रूव हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो डोमिनेंट प्रैक्टिस है सबसे पहले इम्प्रूव वैराइटीज की जरूरत है। तो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो फार्मर है वो एक लेजर फार्मर कैटेगराइज में हम चार फार्मर्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो फार्मर है वो लेजर फार्मर है। वो लेजर फार्मर का मतलब ये है कि जब तक वो किसी की प्रोडक्शन बढ़ रही उसको जब तक नहीं देखेगा तो वो प्रोडक्ट वो उसको अप्लाई नहीं करेगा टेक्नोलॉजी में। तो इम्प्रूव वैराइटी इसमें अगर हम सही की प्रोडक्शन बढ़ गई तो डेफिनेटली दूसरे हमसाय पे इम्प्रूव वैरायटी की तरफ जाएगा। तो इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में मेरे हिसाब से इम्प्रूव वैरायटीज की एडॉप्शन एक मेन ऑप्शन है हमारी जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम में। थैंक यू।